तैयारी वाले सभी छात्र ध्यान दें, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर बताएंगे और साथ ही साथ उत्तर सहित आपको पेपर बताएंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाएंगे हमारे पास आपका, देख लीजिए। और यहाँ पर जो आपका सेट निकल कर आया है सी सेट है, ठीक है। और भी अगर ऑल सेट के वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पूरे सेट हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास सेट है वो अभी सी सेट आया है और जल्द ही आपको बी सेट भी लाएंगे, ए बी सी डी पूरे सेट आपको देंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी सी सेट है तो आप लोग देख रहे हैं, और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है, देख लीजिए। यहाँ पर आपका है सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे, यहाँ से मतलब प्रश्न क्रमांक 1 में आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे, ये आपको पता है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला है आपका सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है, तो किस पर रहता है, ये आवाला हो जाएगा 0 और प्लस, यहाँ पर देख लीजिए 1 के बीच, ठीक है। इसके बाद आप लोग दूसरा देख सकते हैं, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, विलियम डिगरी, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर डिग्री। इसके बाद तीसरा देख सकते हैं, भारतीय योजना आयोग कब गठित हुई, तो इसमें आपका ये बवाला गलत है, दवाला सही हो जाएगा 1950, ठीक है। इसी प्रकार चौथा देख सकते हैं, कौन सा मध्य चरण मूल्यों के सबसे अधिक अधिक प्रभावित होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भूलक। इसके बाद पांचवा देख सकते हैं आप, माध्यिका की गणना के लिए सरणी को प्रविष्टित किया जा सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ इसमें आ हो जाएगा तथा व हो जाएगा किसी भी क्रम में, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आपका देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हो चुका है, और इसके बाद आपको दिखाते हैं, देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें देख लीजिए, इसमें आपको 7 नंबर देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें देख लीजिए, इसमें उपभोग आ जाएगा, उपभोग सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है, ठीक है। इसी प्रकार से संख्या की आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, इसमें अनेक हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा देख सकते हैं, आंकड़े को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग चौथा देख सकते हैं, किसी वर्ग के ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच अंतर को, यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग अंतराल कहा जाता है, ठीक है, अंतराल, सॉरी। इसके बाद पांचवा आप लोग पढ़ लेना, छठवा आप लोग सामने है, इनके उत्तर देख लीजिए, टिक कर दिए गए हैं। सातवा आप लोग देख सकते हैं, बहुलक की गणना कल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समूहन विधि द्वारा किया जा सकता है, सकती है, ठीक है। इसके बाद आपका देख सकते हैं प्रश्न, पूरे 8 पेज देखने को मिले हैं आपको इसमें, और अभी आपको और दिखाते हैं प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 3 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें देख लीजिए आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे, सही जोड़ियाँ बनाइए, तो इसमें आपको सही जोड़ियाँ बनाना है, तो इनके उत्तर जो है अपने परीक्षा अध्ययन से निकाल लीजिए। ये पर आप लोग के ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम इसके ऊपर आंसरों की वीडियो भी लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, फिलहाल अभी कर लेना, पहला आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मानक विचलन, यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर है आपका मानक विचलन, दूसरा माध्य, तीसरा आधार वर्ष होता है, इसके बाद चौथा देख सकते हो आर्थिक बेरोमीटर, इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना, पूरे आपके 6 हैं, ठीक है, इसको आपको सामने सामने मिला देना है पेपर में। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4, इसमें आपको 7 नंबर देखने को मिलेंगे। इसमें आपका है देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, 1 से लेकर 7 तक है। देख लीजिए, पहला भारतीय नियोजन का वस्तुकर किसे माना जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना पूरा का, ठीक ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 में आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे। पहला देख सकते हो जीवन प्रत्याशी शिक्षा के स्तर का सूचक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ठीक है, 6 आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आप लोग कर लेना, पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे आपका भी टाइम बर्बाद हमारा। प्रश्न क्रमांक 6 आता है, इसमें देख लीजिए संख्या की क्या है, ये हर बार आ रहा है ये क्वेश्चन, संख्या की के 2 कार्य लिखे, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी हर बार परीक्षा में देखने को मिलना है, ठीक है, 2-2 मार्क के होने वाले हैं। इसके बाद सातवें देख सकते हो एक अच्छी प्रश्नवली के कोई 2 गुण लिखिए, तो आपको इसमें 2 गुण लिखना है, इसके अथवा का करना चाहो आप ये भी कर लेना। इसके बाद आठवां आपके सामने प्राथमिक आंकड़ों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, इसके अथवा का करना चाहो ये कर लेना, 2-2 मार्क की आपके ये होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पर बहुलक के कोई 2 गुण लिखिए,
मातिका के कोई दो गुण लिखिए। तो इसमें आपको गुण ज़्यादा बोलना है तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। दो दो नंबर के आपको मार्क देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आप दसवा देख सकते हो, अभिकरण परीक्षण पर क्या है तो इसको कर लेना, मानक विचलन कैसे कहते हैं इसको कर लेना, ठीक है। ये आपके बिल्कुल हर पेपर में पूछे जाने वाले ये आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए मानक विचलन कर लेना। ग्यारहवीं देख सकते हो आप, हरित क्रांति क्या है, ये आपको पहले से ही याद होंगे, ठीक है, हमको पता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विपणन योग्य अधिशेष क्या है तो ये कर लेना। बार बार देख सकते हैं, स्वतंत्रता के समय हमारे देश में चल रहे कुछ यहाँ पर देखिए आधुनिक उद्योगों के नाम लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको और दिखाते हैं, बारहवीं का प्रश्न क्रमांक 13 आता है, देख लीजिए भारत में गरीबी की कोई दो कारण लिखिए। इसके बाद ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, एयत का वाका हो जाएगा, कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, 14वां महर रोजगार का अर्थ लिखिए, बेरोजगारी के कोई दो दृष्ट परिणाम लिखिए, तो कर लेना आप लोग इनको। बिल्कुल सिंपल पेपर है आपका, बिल्कुल ऐसा पेपर नहीं आया है, ठीक है, बिल्कुल सरल सा पेपर आया आपका। आप ये मत सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा, कोई हर कोई यही सोचता है, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या फेल, कुछ जो भी सोचते हैं, बिल्कुल सरल पेपर आया है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15वें में भारत में मानव पूंजी निर्माण की कोई दो समस्याएं लिखिए। इसके अथवा का कर लेना, देख लीजिए दो दो नंबर के होने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से आपके तीन तीन नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे। देख लीजिए सारणीबद्ध यहाँ पर देखिए प्रस्तुतिकरण के कोई तीन गुण लिखिए, इसमें तीन गुण लिखना है, इसके अथवा का कर लेना। इसके बाद 17वां आपके सामने देख लीजिए प्राण विचलन मानक विचलन के कोई दो तीन गुण लिखिए, ठीक है, तीन गुण लिखना है। इसके बाद इसके अथवा करना चाहिए ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये इसके अथवा का हो जाएगा। 18वें का पर्यावरण के कार्य लिखिए कोई तीन, ही आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 19वां द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए, इसको कर लेना, इसके अथवा का कर सकते हैं आप लोग। देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई तीन विशेषताएँ लिखी, ठीक है, तीन विशेषताएँ लिखना है, कर देना आप लोग इसको। और इसके बाद आप लोग 20वां देख सकते हो एक अच्छे औसत की एक की और चार विशेषताएँ लिखिए, ठीक है, इसको कर लेना। लास्ट पेज और है आपका, वो और आपको दिखा दे रहे हैं वीडियो में, आप लोग कंटिन्यू बने रहना। तो ये आपका अथवा का हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20वें का अथवा का ये, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं चार चार नंबर के आ चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां सहसंबंध के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, तो ये आप लोग अगर देखिए पेपर आप जब करने चाहते हो तो भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, ठीक है, मतलब आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो भी आप लोग पेपर पूरा करके आया करो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कुछ ना कुछ तो आप देखिए सहसंबंध के प्रकारों को स्पष्ट किए, तो इससे अगर आप बना के भी पूरा का पूरा एक पेज भर के आना, दो भर के आना, ठीक है, पक्का आपको उसमें तो पक्का दो या एक नंबर तो 100% मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा मत करो, पूरा का पूरा करके आया करो, ठीक है। इसी प्रकार से 22वां देख सकते हो स्वतंत्रता के समय भारत में कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखी। इसके बाद अथवा का देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 23 वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाइए, भारत में आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए, तो आप लोग इसको भी बना के लिख सकते हैं, बट राइटिंग वगैरह आपकी साफ सही आना चाहिए तभी आपको मार्क देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन कहीं का छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा पेपर करके आना है, चाहे वो आपको आना ही आओ, बना के लिख के आना, बढ़िया राइटिंग में लिख के आना, आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा पेपर जो कि आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।